जबरदस्त दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का विभिन्न परीक्षाओं में काफी अधिक वेटेज होता है। जैसे अगर हम देखा जाए एसएससी सीजीएल की बात की जाए तो प्री में 3 से 4 क्वेश्चन और मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन केवल और केवल त्रिकोणमिति का। इसके अलावा रेलवे, ठीक, रेलवे की जो वर्तमान में परीक्षाएं हुई थी उसमें भी काफी अधिक क्वेश्चन आए थे, ठीक, एडवांस मैथमेटिक्स के, जिसमें त्रिकोणमिति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक, अब इसके अलावा रेलवे, व्यापम, ठीक, इन सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चंस काफी अधिक आते हैं। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। हमें जब त्रिकोणमिति पढ़ना है तो उससे पहले त्रिकोणमिति में हमें दो चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, त्रिकोणमिति में बात की जाए तो जियोमेट्री के एक टॉपिक चतुर्थांशों की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक, प्लस एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष, ठीक, प्लस वाई अक्ष, माइनस वाई अक्ष, जिसे हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। इसके अलावा हमें क्षेत्रमिति से एक त्रिभुज जो कि होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब हमें इन दोनों का ज्ञान होगा तभी हम त्रिकोणमिति को पूरी तरीके अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, अभी हम ज्योमेट्री वाले पार्ट को निगलेक्ट करते हुए क्षेत्रमिति वाले पार्ट पर आते हैं। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए, ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल वह होता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का। ठीक, इस त्रिभुज को कह देते हैं एबीसी। अगर इस त्रिभुज में एक कोण थीटा मान लिया जाए, ठीक, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, ठीक, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। ठीक, और सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या कहलाती है? कर्ण। इंग्लिश में देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए ये कोण थीटा यहां ना होके अगर यहां थीटा होता, ठीक, तब लंब क्या होता? ये वाली भुजा हो जाती और आधार क्या हो जाता? ये हो जाता। ठीक, अब इसे समझने के लिए हमें क्या करना है? हर बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जहां कोण थीटा हो वहां खुद को बैठा लीजिए। वहां क्या करें? खुद को बैठा लीजिए। अब यहां पर आप बैठे तो आपके सामने जो बिल्डिंग होगी या जो भुजा होगी वह क्या कहलाएगी? लंब। और जिस पे आप बैठे हैं वो क्या होता है आपके लिए? आधा। तो तीसरी भुजा अपने आप क्या हो जाएगी? कर्ण। वैसे ही अगर यहां की बात की जाए तो आप यहां बैठ जाना, ठीक, तो आपके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जिसपे आप बैठे हैं वह क्या हो जाएगा? आधा। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वह लंब, आधार और कर्ण इन तीनों के रेशो के इर्द गिर्द ही पूरी बेस्ड है। ठीक, अब बात की जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री शब्द दिमाग में आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे मन में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं तीन के नाम ध्यान में आते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो ये कि भैया ये क्या है, ये कहां से उत्पन्न हुआ, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है। तो वास्तव में कुछ नहीं है, एक तरीके से फैंसी नाम है, ठीक, जो कि इन भुजाओं के रेशो को दिए गए हैं। जैसे साइन थीटा बोला जाए तो किसका रेशो है? लंब बटे कर्ण के रेशो को ही क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण के रेशो को ही क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा। ऐसे ही आधार बटे कर्ण के रेशो को कॉस थीटा कहा गया है। ठीक, आधार बटे कर्ण के रेशो को क्या दिया गया है? कॉस थीटा दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार टेन थीटा जो है लंब बटे आधार का रेशो। ठीक, अब इंग्लिश में आप खुद देख लीजिएगा, एक बार मैंने बता दिया ये तो मैथ्स है, मैथ्स की भाषा में ही चलेगा। ठीक, अब जिस प्रकार से हमने क्या बोला, लंब बटे कर्ण साइन थीटा है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा है, लंब बटे आधार क्या हो गया? टेन थीटा। अगर इनके रिवर्स की बात की जाए, मतलब कर्ण बटे लंब वह क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कर्ण बटे आधार वह क्या हो जाएगा? कॉस, वो हो जाएगा सेक थीटा। और आधार बटे लंब वह क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अगर हमें ये सबसे पहले यह छह जो नाम है या साइन कॉस सेन कॉसेक सेक कॉट है इनकी वैल्यू पता होने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। इनके रिवर्स भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अब इन्हें याद करने का हमारा तरीका क्या रहता है? स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले क्या याद रखते हैं? लाल बटे कक्का, जिसमें लंब बटे कर्ण को क्या कहा गया? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को क्या कहा गया? कॉस थीटा। और लंब बटे आधार को क्या कहा? टेन थीटा। और इसके रिवर्स देखा जाए कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखते हैं?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कॉस के लिए हो जाएगा और ये टेन के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार इनके रिवर्स चलते हैं। ठीक, अब आपको अभी तक ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, अब हमें इसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं अभी। हमें सबसे पहले कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ये साइन का उल्टा क्या कॉस है, ठीक, कॉस का उल्टा क्या सेक और टेन का उल्टा कॉस, यही याद करने में ही हमें कंफ्यूजन होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखो अब इसे याद करने का बहुत सीधा सिंपल सा तरीका है। इन तीनों के जो तीसरे अक्षर है उन्हें देखिए, ठीक, कॉस एक का क्या है एस, एस मतलब कि क्या हो जाएगा साइन थीटा, सेक का तीसरा अक्षर क्या है सी मतलब कॉस थीटा, ठीक, कॉट का तीसरा अक्षर क्या है टी टेन थीटा। रिवर्स याद करने के लिए सबसे सीधा सिंपल सा तरीका है, ठीक, इससे आप इनके रिवर्स याद कर सकते हैं। अब हमने छह ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अच्छे से देख लिए, हमें इन्हें सभी याद कर लेना। ठीक, इसके अलावा हमें एक चीज और याद होनी चाहिए जो होती है पाइथागोरस प्रमेय। वैसे संभवतः सभी को याद होगी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यह प्रमेय याद होना चाहिए। अब किसी त्रिभुज राइट एंगल की बात की जाए, ठीक है, अगर कोई भुजा एक तीन दी है और एक चार दी, हमसे तीसरी भुजा पूछी गई है, तो उसे निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। जैसे इसमें लंब कितना हो गया तीन, तीन का स्क्वायर कर देंगे नाइन, आधार कितना है चार, चार का स्क्वायर कर देंगे सोलह, ठीक, ये कितना हो गया पच्चीस, मतलब कर्ण का मान कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा। ठीक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किस लिए करते हैं, दो भुजाएं दी गई है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें। ठीक, यहां पर हमें एक फॉर्मूला और देखना है, अगर मैं यहां पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करूं, क्या करूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा क्या आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा बचेगा क्या लंब बटे आधार, जो कि हमें किसके बराबर दिख रहा है टेन थीटा के बराबर दिख रहा है। मतलब कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा इसके विपरीत के बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, किसके बराबर होगा कॉस थीटा के। ठीक, यहां तक हमने बहुत सिंपल बहुत आराम से सभी चीजों को देख लिया। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है जो कि हमें जानना बहुत आवश्यक है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत थोड़ी धीरे सरल सरल से आगे कठिन होती जाएगी। ठीक, अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की पाइथागोरस प्रमेय की, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें अगर मैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें अगर मैं कर्ण का वर्ग का पूरी इक्वेशन में भाग देता हूं, किसका भाग देता हूं कर्ण के वर्ग का, ठीक, तो यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा वन, अच्छा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर हो गया, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, ऐसी आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक, इसी प्रकार दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और होती है, ठीक, जो कि होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। जैसे हमने यहां पर किसका भाग दिया था कर्ण का वर्ग का भाग दिया था, उसी प्रकार से हम एक बार लंब के वर्ग का भाग देंगे तो हमें सेकेंड आइडेंटिटी मिल जाएगी, और उसी प्रकार से अगर एक बार आधार के वर्ग का भाग देंगे तो हमें तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक, इसी अब इन्हीं आइडेंटिटीयों से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे की वीडियो में एक एक आइडेंटिटी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, यहां तक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंप्लीट होता है। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट है अगली वीडियो में देखेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जहां तक हो सके ठीक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।